वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने इसके सेमीकंडक्टर के पिछले पार्ट में हमने लॉजिक गेट के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम जो भी इसके क्वेश्चन बचते हैं जो भी टॉपिक के उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले। तो पहले क्वेश्चन ये कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10^19 है और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 है, तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी? जैसे कि हमें पता है करंट डेंसिटी जे और इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होती है, इसमें सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? जे बाई ई हो जाएगा और वन अपॉन सिग्मा रेजिस्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट डेंसिटी होती है वो करंट अपॉन एरिया होता है, लिख देंगे करंट अपॉन एरिया। और जो करंट होता है वो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे ये कट जाएगा। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे एन इंटू ए इंटू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, तो ये वन अपॉन करंट डेंसिटी की 10^-19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10^-19 और मोबिलिटी कितनी दी हुई है हमें, मोबिलिटी 1.6 दी हुई है, इससे ये कट जाएगा। और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू अप्रोक्स 0.4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कंडक्टिविटी शुरू करते हैं 0.3 और 0.7 वोल्ट पर रिस्पेक्टिवली, अगर इस फिगर में जर्मेनियम डायोड कनेक्शन को रिवर्स कर दे, मतलब ये अभी फॉरवर्ड बायस में इसका रिवर्स बायस कर दे, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी? अभी तो जीरो है। अब जब इनिशियल कंडीशन है तो उसमें इसको कंडक्ट होने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए और इसको 0.7 चाहिए, तो पहले ये ऑन हो जाएगा, ये कंडक्टिंग पार्ट की तरह बिहेव करेगा और ये क्लोज पार्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका जो इसके पहले केस में सर्किट डायग्राम बने वो कुछ ऐसा बनेगा कि जर्मेनियम ऑन पार्ट की तरह काम करेगा तो इसको दिखा दिया और सिलिकॉन ऑफ पार्ट की तरह काम करेगा इसको दिखाया नहीं। अब तो जर्मेनियम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.3 वोल्ट होएगा, इसको स्टार्ट होने के लिए चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन होएगा, तो इसके अक्रॉस जो नेट वोल्टेज आएगा वो 12-0.3 11.7 वोल्ट आ जाएगा और ये वी आउटपुट होएगा। पहले केस में वी आउटपुट 11.7 वोल्ट आ गया। अब दूसरे केस में कि जर्मेनियम डायोड की कनेक्शन को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब ये पहले ऐसा था अभी रिवर्स बायस में हो गया है, तो ये अब ऑफ पाथ जैसे काम करेगा और ये ऑन पाथ जैसे काम करेगा। तो वही एज इट इज बन जाएगा, बस जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन आ जाएगा, ये आउटपुट ये रेजिस्टेंस ये सिलिकॉन आ गया 0.7 वोल्ट हो गया और ये 12 हो गया। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो 12-0.7 11.3 वोल्ट बन जाएगा और ये हमारा वी आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से तो ग्राउंडेड है तो इधर जीरो हो गया, तो जो बचा हुआ ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0.4 वोल्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन में वही पूछा है और 0.4 वोल्ट कौन सा आंसर हो गया, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नीचे जो सर्किट में जीना डायोड के थ्रू करंट कितना होएगा। अब इसको करने का पहला स्टेप तो ये होता है कि ये मान लो कि ये है ही नहीं और इसके एब्सेंस में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब निकालते तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होएगा, इसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये एक शॉर्टकट होता है जो आपको बताया जाएगा, इनटू
120 इसको सॉल्व करते हैं तो ये 80 वोल्ट आ गया। अब जो 80 वोल्ट है वो जीनो डायोड की वैल्यू से ज़्यादा है, तब तो क्या करेंगे, जो भी जीनो डायोड की पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दे देंगे, क्योंकि अब इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो सकती है 50 वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकती, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू होगी 50 वोल्ट। अब जो भी बचा हुआ है जैसे 70 वोल्ट बचा है वो दूसरे रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें टोटल करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी करंट इज इक्वल टू 70 वोल्ट, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इधर 70 है अपॉन रेजिस्टेंस 5, ये कितना हो गया 14 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। और इस वाले के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 और रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम, तो ये कितना हो गया 5 मिली एम्पियर। और अब पूछा कितना है, I2 पूछा है, तो I2 कितना होएगा, I-I1 ये हो गया 14-5 इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर, आंसर चौथा हो गया। अब इसका यही होता है, सबसे पहले तो ये देखना, तो इनको सब करने का मेन तरीका यही है, सबसे पहले तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीनर डायोड है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीनर डायोड के एब्सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस जीनर डायोड की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आता है तब तो जो जीनर डायोड के पोटेंशियल वैल्यू दी हुई वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कम आता है तो उस समय जीनर डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होएगा और जो आ रहा है वही उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, ऐसे क्वेश्चन अभी हम बाद में करने वाले। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है कि जीनर डायोड के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। अब इसमें जीनर डायोड की वो मैक्सिमम जो भी वैल्यू है वो 10 वोल्ट दी हुई है, तो अब इसमें भी पहले यही करेंगे, पहले जो भी जीनर डायोड के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस बन रहा है उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तब ये दो रेजिस्टेंस का अक्रॉस लगा हुआ है तो पहले इसका नेट निकालेंगे, अभी दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका नेट जो है 1500 / 2750 हो जाएगा, ये 500 हो गया। अब इसके अक्रॉस जीनर डायोड लगा हुआ है और इधर ये बैटरी लगी हुई है हमारी। अब वही जो पहले क्वेश्चन में किया था कि मान लो जीनर डायोड है नहीं तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, अगर वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है तभी जीनर डायोड, तभी इधर पोटेंशियल जीरो डायोड वाला होगा और जीरो डायोड पे करंट फ्लो होगा। अगर 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है जो कुछ नहीं है तब जीरो डायोड में जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसका खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है इंटू जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना है, ये हो गया 12, ये 3 जा, ये 5 जा, ये 36/5 और ये 7.2 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 10 वोल्ट से कम है इसलिए जीरो डायोड में जो करंट फ्लो होगा वो 0 एम्पियर होएगा। अब ऑप्शन में 0 कौन सा, ये 30 ऑप्शन यहाँ से 0 हो गया, तो वही बेसिक स्टेप तो ये है कि पहले जीरो रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालो, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, अगर वो पोटेंशियल जीरो डायोड की क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है तब तो जीरो डायोड में करंट फ्लो होएगा वो फिर निकाल लो, और नहीं है तो जीरो डायोड में फिर करंट फ्लो नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्किट दिया हुआ है इसमें 100 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। अब इसमें पहले तो ये देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में कौन सा, रिवर्स बायस में कौन सा है, ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस में, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस में, तो इधर तो करंट फ्लो होगा नहीं तो ये तो ऑफ पावर काम करेगा, इसको बता ही दो। अब इधर करंट फ्लो होगा और इसकी रेजिस्टेंस ये ध्यान रखना जरूरी है, गलती हो सकती है इससे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है 50 ओम दी हुई है, तो अब नेट करंट कितना हो जाएगा, नेट वोल्टेज कितना है 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 100 प्लस 150 प्लस 50 इसका, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 300 जो होगा 0.02,
आंसर हो गया पहला। अगले क्वेश्चन में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट दिया हुआ है जो दो एनपीएन ट्रांसमीटर की जो एनपीएन ट्रांसमीटर की मदद से बना हुआ है। अब इसमें हमें तीन वैल्यू दी हुई है, एक तो करंट गेन दिया हुआ है, एक कलेक्टर रेजिस्टेंस की वोल्टेज दी हुई है, कलेक्टर वोल्टेज दी हुई है और एक कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें हमें बेस करंट निकालना है ताकि सेचुरेशन आ जाए, तब इसको ऐसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो करंट गेन होता है उसको तो मैं बीटा से डिनोट करता हूँ, और इसमें बीटा कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। कलेक्टर करंट कितनी होगी, वो कलेक्टर वोल्टेज अपॉन कलेक्टर रेजिस्टेंस हो जाएगी, और ये कितनी होगी, ये 10 दिया हुआ है अपॉन 1 किलो एम्पियर, ये हो गया 10 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है कलेक्टर करंट। और जो बीटा होता है करंट गेन, वो होता है कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, तो बेस करंट कितनी हो गई, कलेक्टर करंट अपॉन करंट गेन, कलेक्टर करंट कितनी 10 मिली एम्पियर अपॉन ये हो गया 250, ये हो गया 40 माइक्रो एम्पियर, तो हमारा आंसर हो गया दूसरा वही है, ये कलेक्ट रिलेशनशिप बता दिए। अब इसकी रिलेशनशिप का बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है 1/α - 1/β = 1। इसके बाद देख लो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा। इसको उधर भेजोगे तो 1/α = β + 1/β, इसको उल्टा करोगे तो α = β/1+β। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में यूज करना है एम्पलीफायर के तौर पर, तो इसे कौन से रीजन में यूज करेंगे, तो इसका सीधा आंसर एक्टिव रीजन में कर सकते हैं, उसका तो ट्रांजिस्टर का कोई काम रोल में यूज कर नहीं सकते। इसका ग्राफ भी ऐसा बनता है, ये भी याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया एक्टिव रीजन, ये हो गया सैचुरेशन, और ये हो गया कट ऑफ रीजन। इसमें ये ऑन स्विच की तरह काम करता है, इसमें ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ऑफ ऑफ होता है, और इसमें ये ट्रांजिस्टर का काम कर सकता है। अगला कि आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हूज कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आर गिवन बिलो इन द ऑर्डर ABCD, तो ये भी याद रखना है, ये तो हमारा हो जाएगा सिंपल डायोड, ये हो जाएगा हमारा जीनर डायोड, ये हो जाएगा हमारा सोलर सेल, और ये हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो पहला हो गया सिंपल डायोड, दूसरा हो गया जीनर डायोड, तीसरा ग्राफ है सोलर सेल का, और चौथा ग्राफ है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का। ये चारों ग्राफ याद रख लो, इन्हें याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक डायोड को फॉरवर्ड बायस पे किया हुआ है, उस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.5 होता है, जो करंट की सेफ लिमिट है डायोड के थ्रू 10 मिली एम्पीयर है, उससे ज्यादा करंट फ्लो हो नहीं सकता। तो अगर एक बैटरी है जिसकी EMF 1.5 वोल्ट का यूज करे, तो कितना मिनिमम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में ताकि करंट सेफ लिमिट को एक्सीड ना करे। जब देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका सर्किट बना के देखते हैं डायग्राम कि क्या उसे निकल के आ रहा है। तो ये एक बैटरी दी हुई 1.5 वोल्ट की, एक हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ जिसके हमें वैल्यू पता नहीं, एक डायोड दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस में जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट है। अब जो हमें करंट दिया हुआ है, करंट मैक्सिमम वो 10 मिली एम्पियर है,
अब अबे आर पी डी में निकाल ले, वो क्या होएगा? डेट वोल्टेज अक्रॉस आर अपॉन, करेक्ट, डेट वोल्टेज अक्रॉस आर कितना होएगा? 1.5 माइनस जो वोल्टेज दो इसके अक्रॉस है 0.5 अपॉन 10 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 × 10⁻³, तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 100 ओम आ जाएगी। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो ये रहा पहला ऑप्शन, ये है हमारा आंसर हो गया पहला। अगले क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन आ गया। बस सेमी कंडक्टर में इसलिए आया क्योंकि इसमें यहाँ पे डायोड दे दिया है। अब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन पार्ट वाला काम करेगा। तो अब इसमें ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पहले इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 kΩ हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 5 upon टोटल रेजिस्टेंस × 30, तो ये कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सभी कंडक्टर का कोई इतना खास रोल भी नहीं था। अगला क्वेश्चन ईगो ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है कि एलईडी के आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला है इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि इनमें से फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है जिसमें हायर पोटेंशियल इधर होगी और लोअर पोटेंशियल इस साइड होगी, वो हाई फॉरवर्ड बायस्ड है। अब इसमें जो 4 है वो तो 2 से ज़्यादा है, तो इधर ये रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस्ड है, नहीं रिवर्स बायस्ड हो गया। इससे भी प्लस 2 माइनस 2 से ज़्यादा होता है, ये भी नहीं है। इसमें −3 −3 सेम है, ये भी नहीं है। अब ये देखते हैं इसमें प्लस 2 इस साइड है और इधर −2 है, और प्लस 2 माइनस 2 से बड़ा होता है इसलिए फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया। इसमें ये देखना है कि इस साइड तो हायर पोटेंशियल आनी चाहिए और इस साइड लोअर पोटेंशियल आनी चाहिए, भले ही वो माइनस में हो या 0 हो, जो भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिवली ये वाली हाईएस्ट पोटेंशियल होनी चाहिए और ये वाली लोअर पोटेंशियल होनी चाहिए। अगला ये भी याद रखने वाली क्वेश्चन है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है, एंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ करें तो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ये याद रखने, कॉमन एमिटर कंडीशन में जो फेज डिफरेंस आता है आउटपुट और इनपुट में वो 180 डिग्री आता है, तो हमारा से दूसरा हो गया पाई का फेज डिफरेंस आता है। अगला द रीडिंग ऑफ सिलिकॉन रीडिंग ऑफ एमीटर फॉर सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज, वही है इसमें रीडिंग निकाल दी अभी कितनी आएगी। अब इसमें तो कुछ लोग तो क्या करेंगे डायोड 3 को 200 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो करना नहीं है क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन के जो अक्रॉस ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 3 − 0.7 upon, ये तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और जो करंट आएगा वो कितना आएगा? पोटेंशियल नेट अपॉन रेजिस्टेंस, और ये कितना हो गया? 2.3 upon 200, तो ये हो गया 11.5 mA। हमारा आंसर हो गया पहला। ध्यान रखना है सिलिकॉन का तो होता है 0.7, और अगर क्वेश्चन में जर्मेनियम देता तो जर्मेनियम को होता है 0.3। अब एक एमीटर करंट को चेंज कर दिया 4 mA, करेक्ट करंट को चेंज किया 3.5, तो बीटा कितना होएगा? अब बीटा क्या होता है? करेक्ट करंट अपॉन बेस करंट, करेक्ट करंट कितनी है? 3.5, एक बार यूनिट रहने दो क्योंकि वो कट जाएगा। बेस करंट कितनी होएगी? ये हो जाएगी एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, ये कितना हो गया? 4 − 3.5, ये हो गया 3.5 upon 0.5, तो ये हो गया 7। हमारा आंसर हो गया पहला। मैंने दो स्टेटमेंट दिए हुए, ये एसएससी रीजन वाले क्वेश्चन है, इस साल नीट में डाल दिए थे, इससे पहले कभी आए नहीं, तो आगे भी आ सकते हैं, तो इसलिए एक दो एसएससी रीजन के क्वेश्चन मैंने इधर भी डाल दिए। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि पीएन जंक्शन डायोड्स कैन बी यूज्ड टू फंक्शन एज ट्रांजिस्टर सिंपली बाय कनेक्टिंग टू डायोड्स बैक टू बैक विच एक्ट एज द बेस टर्मिनल। ये गलत हो गया, ऐसे होता नहीं है कि डायोड जोड़ दिया बेस टर्मिनल काम करेगा, बेस टर्मिनल का काम ऐसे ऐसे नहीं करता। कि इस कंडीशन में चार चार डोप्ड रीजन आ जाएंगे,
अगर ऐसे करेंगे तो चार डो बीजन आ रहे हैं, तीन की जगह चार आ रहे हैं, और इसमें कोई भी बेस रीजन डिसेबल करेगा नहीं। रीजन तो तीन ही होते हैं, एक तो है एमिटर रीजन होता है, एक बेस रीजन होता है, एक कलेक्टर रीजन होता है। अभी जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वैसा करें तो चार रीजन बन जाएंगे जो है नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। अब दूसरा कि द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इंडिकेट्स रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ये सही बात है, ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत और दूसरा है सही। अगला क्वेश्चन, ये जीनर ब्रेकडाउन कब होता है पीएन जंक्शन लाइन में? तो ये याद रखना है दोनों रीजन वाली दो डोप होते हैं और डिप्लीशन रीजन नैरो होती है। लेकिन अगर एवलेंस ब्रेकडाउन के बारे में पूछे तो वो जब होता है जब वो ये लाइटली डोप दो और लार्ज डिप्लीशन लेयर होती है। तो जीनर ब्रेकडाउन के लिए तो हैवीली डोप्ड और नैरो डिप्लीशन लेयर, लेकिन एवलेंस ब्रेकडाउन के लिए लाइटली डोप्ड और लार्ज डिप्लीशन लेयर होती है। क्वेश्चन है वही बात होगी कि 5 वोल्ट की बैटरी दे दी है, एक्शन वाई के अक्रॉस कनेक्ट की है, डी वन एंड डी टू का अज्यूम करने की वो नॉर्मल सिलिकॉन डायोड, ये इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन डायोड है। तब करंट सप्लाइड बाई दी बैटरी निकालने अगर एक्स पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस, तो इसमें करंट फ्लो है कि नहीं तो इसको बता दो। तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये 5 वोल्ट की बैटरी आ गई, इधर सिलिकॉन डायोड आ गया, इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, अब करंट निकालनी, करंट कितनी आएगी 5 माइनस नेट का वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये आ जाएगी 0.43 एम्पियर आ जाएगी। अब 0.43 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन हो गया ये हमारा। अगले क्वेश्चन है कि X26 सभी कंडक्टर के लिए जब डोपिंग लेवल बढ़ाए गए तब क्या होएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ये फर्मी लेवल और पी टाइप सेमीकंडक्टर तो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो बनता है वो जस्ट इधर बनता है, लेकिन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो दोनों एनर्जी लेवल बनते हैं वो फर्मी इधर बनते हैं। तो जब डोपिंग बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल और पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड, ये तो आ जाएगा नीचे की तरफ, और फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर होएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला मैथ फॉलोइंग का क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ रेक्टिफायर, अब रेक्टिफायर क्या होता है? वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा, इसका आगे लिख देंगे दूसरा, कभी भी ऐसे लाइन बना के नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर अगला स्टेबलाइजर, इसका काम क्या होता है? ये कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, भले आप इनपुट वोल्टेज को चेंज करो। तो इसका तो हो गया चौथा। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ये स्टेपिंग, या तो स्टेपिंग अप या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो उसका काम क्या, या तो वोल्टेज स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया पहला। उसके बाद आपको आता है नहीं आता आंसर तो एक ही बच्चा ही हो जाएगा तीसरा। फिल्टर होता है कोई भी रिपल हटाने का काम आता है रेक्टिफायर वोल्टेज में। तो आंसर क्या आया 2413 हो गया पहला। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है, उसको कम्यूटर एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया हुआ, सिग्नल वोल्टेज 10 मिली वोल्ट दी हुई है, बेस एमिटर के अक्रॉस अप्लाई की है, तो इससे 3 एम्पियर चेंज आता है कलेक्टर करंट में और 15 एम्पियर चेंज आता है बेस करंट में, 15 माइक्रो एम्पियर। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है और जो वोल्टेज गेन है वो कितना होगा? अब इसको करने का सबसे सही तरीका, पहले तो आप लिख दो कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो पहले तो आपके पास VBE दिया हुआ है वो 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है,
10 मिलीवोल्ट दिया हुआ है। जो बेस करंट है वो 15 माइक्रोएम्पियर दी हुई है और जो कलेक्टर करंट है वो 3 मिलीएम्पियर दी हुई है। अब हमसे पूछा क्या है और जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो 1 किलो ओम दिया हुआ है। अब हमसे सबसे पहले तो पूछा है कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना होएगा, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, ये हो गया 10 × 10⁻³ अपॉन 15 × 10⁻⁶, ये हो गया 0.67 किलो ओम। अब हमसे वोल्टेज गेन पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना होएगा, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कितना है 3 मिली एम्पियर 3 × 10⁻³ इंटू आउटपुट वोल्ट करंट क्या रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम। अब इनपुट करंट कितना है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 0.67 किलो वोल्ट और जो इनपुट करंट है वो कितना है 15 माइक्रो एम्पियर। जो सॉल्व करेगा जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा करंट तो आ गया, इनपुट करंट वो तो आ गया 0.67, वोल्टेज ये आ गया 300, तो हिसाब से हमारा आंसर हो गया दूसरा। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक एनपेन ट्रांसमीटर है वो कॉमन एमिटर की तरह काम कर रही है, जितने भी क्वेश्चन किए हमने यही किए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब इसमें थोड़ा अलग आ गया कि पावर गेन दी हुई है वो लाउडनेस के टर्म्स में दी हुई है। अब जो लाउडनेस होएगी वो 10 × log ऑफ पावर गेन होती है, तो ये हो गया 60, इससे ये गया तो जो पावर गेन आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 10 × 6 आ गया। और पावर गेन कितना होता है, करंट गेन को होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, तो हो जाएगा 10⁶ करंट गेन का होल स्क्वायर इंटू, अब ये कितना हो गया लोड रेजिस्टेंस कितना है 10 × 10³। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 100 है इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये 10⁴ इज इक्वल टू करंट गेन का होल स्क्वायर, तो करंट गेन कितना आ गया 10⁴ बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर, यही हमारा आंसर हो गया। अब वापस एक जीरो डायोड का मैंने क्वेश्चन दे दिया, बस इस बार थोड़ा अलग फॉर्म का है कि इसमें ज़ीनर डायोड की क्या बैटरी जो वोल्टेज है वेरी कर रही है 8 वोल्ट से 16 वोल्ट पे, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करंट थ्रू ज़ीनर डायोड पूछी है। अब इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले 8 मान लेते हैं कि पहले केस में बैटरी का वोल्टेज मिनिमम है जो 8 वोल्ट है, तो अब इस कंडीशन में अगर मैं जो पहले मैंने बताया था ज़ीनर, मान लो ज़ीनर डायोड है ही नहीं, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी देख लो लोड रेजिस्टेंस तो हो गया 4 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस हो गया 1 किलो ओम, तभी कितना हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आ रही है वो 4/5 × 8 इज इक्वल टू 32/5। अब ये वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा आ रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो 6 वोल्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम लिमिट 6 वोल्ट हो गई। अब जो भी इसके पास बचेगा वो इसके पास चला जाएगा। अब पहले केस में 8 वोल्ट लिया है तो कितना बचा हमारे पास, 2 वोल्ट बचा, तो पहले केस में इसको मिल गया 2 वोल्ट, तो इधर टोटल जो करंट हो गया पहले केस में आई नेट हो गया वो कितना हो गया, हो गया 2 / 1 किलो ओम, ये हो गया 2 मिली एम्पियर।
या I1 मान लो या I2 मान लो, इधर जो करंट जा रहा है I1 वो कितना हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 6, इसके अक्रॉस करंट कितना है क्या, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 1.5। तो जो I2 की वैल्यू आ गई हमारे 0 डायोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 - 1.5 = 0.5 mA। तब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, या तो ये है या तो ये है। अब दूसरा केस चेक करते हैं, ये जो मैक्सिमम है वो 16 वोल्ट दिया हुआ है। अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने चेक कर लिया कि 6 वोल्ट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में इसके अक्रॉस अगर 0 डॉट मानने की नहीं है तो कितना आएगा, ये भी 4/5 × 16 करेंगे तो 64/5 = 12.8 आ जाएगा, जो भी 6 वोल्ट से ज़्यादा है। तो इसके अक्रॉस अभी भी वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगी। अब जो इसके बाद बचती है, अब इसके पास कितनी बच रही है, 16 है, इसके बाद 10 वोल्ट बच रही है। तो दूसरे केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी 10 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा, I0 हो जाएगा 10, टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 10^-3 ये हो गया 10 mA। I1 इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, जो पहला आया था वही रहेगा, चेंज तो आएगा नहीं, ये 1.5 mA हो जाएगा। तो जो I2 आएगा सीरियल डायोड के अक्रॉस करंट वो कितना आएगा, 10 - 1.5 ये हो गया 8.5 mA। तो हमारा आंसर हो गया पहला। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। पहले स्टेटमेंट देखिए, अगर किसी सेमीकंडक्टर को पेंटावलेंट मटेरियल से डोप करते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी पेंटावलेंट से करते हैं, पेंटावलेंट हमारे कौन से हो जाएंगे, ये 15 ग्रुप वाले हो जाएंगे, इनमें से कोई भी हो, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, इनमें से कोई भी हो, ये पेंटावलेंट इम्प्योरिटी होते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम ले लें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, या ट्राइवेलेंट बोल दे या 13 ग्रुप बोल दे, या तो इनमें से कोई दे गए, बोरोन दे दे, एल्यूमिनियम दे दे, गैलियम दे दे, इंडियम दे दे, या थेलियम दे दे, इस केस में होल्स की डेंसिटी बढ़ती है। तो पेंटावलेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ट्राइवेलेंट में होल की डेंसिटी बढ़ती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब दूसरे में लिखा है द एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्वायर्स अ नेट नेगेटिव चार्ज, ये बात गलत है। सेमीकंडक्टर चाहे एन टाइप हो या चाहे पी टाइप हो, हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि जो ये हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। तो एक स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, हमारा आंसर हो गया चौथा, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सेमीकंडक्टर के सारे टॉपिक के जितने भी कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हो मैंने करवा दिए। मैं वापस बताने दूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।